पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए कई तरह की रणनीतियां बना रही हैं। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर सामने आई है वो ये है कि बंगाल में कांग्रेस पार्टी का कुछ खास बोलबाला नहीं दिख रहा। चौंकाने वाली बात तो यही कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति बंगाल के अंदर बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी मानी जाते हैं। दरअसल बंगाल में कांग्रेस पार्टी ने ISF के साथ जो गठबंधन किया, इसके बाद से कई कांग्रेसी नेताओं ने इसका विरोध किया। यहां तक कि यह भी बताया गया कि अधीर रंजन चौधरी की वजह से बंगाल में कांग्रेस पार्टी की हालत खराब हुई है। आपको बता दें कि अधीर रंजन चौधरी का फैसला था कि वो TMC के साथ गठबंधन ना करके लेफ्ट और अन्य राजनीतिक पार्टी के साथ गठबंधन करें, जिसके बाद तो ममता बनर्जी भी कांग्रेस पार्टी से नाराज हो गई। अगर देखा जाए तो बंगाल में कांग्रेस पार्टी बहुत कम सीटों पर ही जीत सकती है, क्योंकि कांग्रेस का बोलबाला फिलहाल तो नहीं दिख रहा और ना ही बंगाल के वोटर्स कांग्रेस को वोट देने के मूड में दिखाई दे रहे, जिससे ये स्थिति बन रही है कि बंगाल चुनाव में कांग्रेस ना के बराबर है। SPN9 न्यूज रूम से राहुल की रिपोर्ट।